नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 गुरुवार को है। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक मास में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत करेंगे कैसे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत करना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन्य धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, रमा एकादशी की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।